हेलो एवरीवन। सो इसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। हीट के लगभग 9 पार्ट आगे चुके हैं, जिसमें से कि हम लोग पिछले कुछ पार्ट से लेवल 1 के क्वेश्चंस बना लिए हैं, लेवल 2 में आ चुके हैं। और ये लेवल 2 का 61 क्वेश्चन नंबर है, 8 एडिशन मेरे पास इसका 8 एडिशन है, पियर्सन स्ट्रेटजी फाउंडेशन का। सो इसका लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 61 अपन लोग इसको भी बनाएंगे। और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज इसको ट्राई करना। जब भी वीडियो आए ना क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसको पेन कॉपी कलम जो भी हो लेके बैठना और इसको प्लीज मेरे साथ इसको ट्राई करना। और जब हो जाए तब आप वीडियो को फिर रिज्यूम करना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं सभी सॉल्यूशन भी बना दूं, कोई फायदा नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और चलो शुरू करते हैं। थ्री मेटालिक स्फीयर्स ए बी एंड सी हैव देयर मासेस इन द रेशियो 1:2:3। ओके, मासेस दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन द रेशियो 3:6:3:4। व्हेन द इनिशियल टेम्परेचर्स, टेम्परेचर दिया हुआ है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर्स आर मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल, द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर, हीट एनर्जी नहीं टेम्परेचर, इज फाउंड टू बी 1:2:3। इनिशियली द टू स्फीयर्स ए एंड बी आर ब्रॉट इन टू कॉन्टेक्ट। ओके, फर्स्ट में क्या हुआ, ए और बी स्फीयर को, कोई स्फीयर ए था, ओके ए, और ये कोई स्फीयर था, ये कोई बी, और एक स्फीयर ये सी है। अभी सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। ये स्फीयर है, ठीक है। सो इनिशियली द टू स्फीयर्स ए एंड बी आर, so initially the two spheres A and B are brought into contact when equivalent temperature is equilibrium temperature, equilibrium है, equilibrium जगह चलते मैंने लिखा नहीं, equilibrium temperature is attained, sphere B is brought into contact with C, determine the ratio of final temperatures of A, B and C as measured in Celsius। okay, सबसे पहले क्या हुआ, A और B को contact में लाया गया, okay, कुछ कोई भी ऐसे करके कांटेक्ट में लाया गया, ये ए है बी है। अब कांटेक्ट में लाने के बाद अब बी को, ये जो बी आया ये कुछ इसका अपना टेम्परेचर हो गया होगा, इस बी के साथ अब इसको कांटेक्ट में लाया गया, कुछ ऐसा हुआ होगा, बी के साथ इसको कांटेक्ट में लाया गया। सो अब हम लोग का क्या दिया हुआ है, मास का रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है। दो प्रोसेस हुआ, एक बार ए और बी को साथ मिलाया गया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। मान लो इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम नाम देते हैं थीटा 1, कोई दिक्कत है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और उसके बाद इसी टेम्परेचर पर बी आ गया होगा। अब जब बी आया तो बी को सी के साथ मिलाया गया, ये देख रहे हो ये बी और सी, तो अब इन दोनों का भी अपना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, थीटा 2 है। सवाल अच्छा है और इसको प्लीज धीरज थोड़ा रखना और कोशिश करना इसको बनाने के लिए, मतलब अच्छा खासा सवाल है यार, लेवल थोड़ा अच्छा है इसका। सो सबसे पहले हम लोग मास लिख लेते हैं, ठीक है, मास लिख लेते हैं। इसका m मास होगा तो इसका 2m होगा, तो इसका 3m होगा, क्योंकि 1:2:3 का रेशियो दिया हुआ है मास का, ओके। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दिया हुआ है, 6x 3s और 4s दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6:3:4 में। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी, और टेम्परेचर का रेशियो 1:2:3 है, यानी कि अगर इसको टी मान लिए, टेम्परेचर टी पे था ये, तो ये 2t पर और ये 3t पर, ये समझ में आ रही है बात। ये मैंने किसके लिए लिखी है, ए के लिए, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर उसका, ओके गाइस, ये हो गया। और अब दोनों को, इन दोनों को साथ मिला रहे हैं, तो जब ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर ब्रॉट, व्हेन ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट, आर इन कॉन्टैक्ट, ओके, व्हेन ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट, सो ए एंड बी कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो टी टेम्परेचर पर है और बी है 2t पे। तो जब दोनों को, दोनों स्फीयर को जोड़ोगे तो कुछ समय आएगा, जिस कुछ ऐसे कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे होगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो आना है ना,
मैंने पहले भी कहा था, कोई आयरन है मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरा आयरन बॉल 80 पर है, दोनों को जोड़ दिए तो कुछ समय बाद क्या होगा, हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में, तो कुछ समय बाद कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। ओके, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ आएगा, मान लो ये 60 पे हो जाएगा तो ये भी 60 पे, ऐसा कुछ। वो तो डाटा पर डिपेंड करता है कि आयरन का डेंसिटी कितना, आयरन का मास और भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों सेम टेम्परेचर, इसी को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी, पहला या दूसरे लेक्चर में मैंने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया है। सो जब ए और बी को दोनों को कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो मान लो जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है वो थीटा 1 है, कोई दिक्कत है क्या? थीटा 1 को टेम्परेचर आ गया होगा, शुरू में ए टी पर था, बी टू टी पे, तो चलो तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बराबर, तो जितना हीट लॉस करेगा क्योंकि बी क्या है वो हाई टेम्परेचर पर है, टू टी पर है, और ए क्या है टी पर है, तो हाई टेम्परेचर बॉडी कौन है, बी, तो बी जितना हीट एनर्जी लूज करेगा उतना ही ए क्या करेगा, गेन करेगा हीट एनर्जी, यही होगा ना। तो हम लोग ए कितना गेन करेगा, क्यू बराबर क्या करेंगे, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी कर देंगे, जितना ए ने जो हीट एनर्जी गेन किया और बराबर किसके होगा, बी ने जितना हीट एनर्जी लूज किया, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। तो मास ऑफ ए कितना है, एम, ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6x है क्योंकि रेशियो दिया हुआ था, इनटू डेल्टा टी, तो जो भी डेल्टा टी यानी कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा 1 है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस टी, ओके, बराबर ये क्या हो जाएगा गाइस, 2m। आज मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया पेन का, क्योंकि एक ही पेन से लिखते लिखते ब्लैक कलर से थोड़ा सा है ना चेंज करते रहना चाहिए। सो अब क्यू बी क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, 2m इंटू 3s इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 2t माइनस थीटा 1, कोई दिक्कत है, क्योंकि जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो 2t से कम होगा लेकिन टी से तो ज्यादा होगा, 2t से कम होगा लेकिन टी से ज्यादा होगा, ये समझ में आ रही है, यही है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा ना तो कोई टेम्परेचर थीटा 1 पे दोनों आ जाएगा ना, कुछ समय बाद क्या होगा, ये देख रहे हो, कुछ समय बाद ये पहले टी पे था, ये टू टी पे था, दोनों को किसी रॉड से जोड़ दिए और तो ये कुछ समय बाद ये थीटा 1 पे आ जाएगा, ये भी थीटा 1 पे आ जाएगा, यही होता है ना। और उसके बाद ये थीटा 1 पे आ गया तो ये थीटा 1 को, ये थीटा 1 पे है, ये 3t पे है, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर BOC में आ जाएगा, तो ये थीटा 2 पे हो जाएगा, ये भी थीटा 2, ये तो ये पहला हम कर रहे हैं चीज, तो एम से एम कैंसिल, एस से एस कैंसिल, और तीन दूनी छ, द्वितीया छ, और थ्री से थ्री कैंसिल, मतलब क्या बचा है, थीटा 1 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस थीटा 1। सो गाइस इधर थीटा 1 को झाड़ दो तो 2θ1 इज इक्वल टू 3t, सो थीटा 1 इज इक्वल टू 3t/t, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना था और देख रहे हो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, 3t/2 है, देख रहे हो, मतलब ए और बी को आपस में जोड़ देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा और उस टेम्परेचर कौन है, 3t/2 है, पहले ए का टेम्परेचर टी पे था और बी का 2t पे, तो अब दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 3t/2, ओके बहुत अच्छा। अब बी इसी टेम्परेचर पे होगा, अब वेन बी एंड सी आर इन कॉन्टेक्ट, अब बी का टेम्परेचर कितना हो गया, बी टेम्परेचर ऑफ बी कितना हो जाएगा गाइस, टेम्परेचर ऑफ बी अब कितना हो जाएगा, ये पहला वाला मत रख देना, 2t मत रख देना, क्योंकि अब कितना हो गया, 3t/2 हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में आया तो, अब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू 3t/2, तो अब 3t/2 पे टेम्परेचर बी है और सी कितना पर है, 3t पर है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सी, फिर सी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगा, सी से बी के बीच में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर क्यू सी, इसका मतलब क्या हुआ, हीट एनर्जी, सॉरी गाइस, हीट एनर्जी गेन बाय स्फेयर सी इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस बाय स्फेयर सी, यहाँ ये गेन होगा क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे है और ये लूज करेगा हीट एनर्जी क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, मैंने कहा था ना कि हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, तो क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी होता है, तो क्या करेंगे, क्यू का जो मास है वो कितना है, 2m है, सब वैल्यू रखते जाना, यहाँ देख रहे थे ना रेशियो दिया हुआ था गाइस, तो हम वैल्यू रखते जा रहे थे, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2m इंटू कितना हो जाएगा, 3s इंटू डेल्टा टी, अब देखो जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा वो 3t/2 से तो बड़ा होगा, तो हमने मान लिया कि वो थीटा 2 है, तो थीटा 2 माइनस 3t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3m इंटू 4s इंटू क्या हो जाएगा 3t माइनस थीटा 2, क्योंकि जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा थर्मल वो हमेशा 3t से तो कम ही होगा, ये चीज समझ रहे हो, 3t से कम होगा। सो अब आते हैं m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, एस एस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस 3t बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6t माइनस 2 थीटा 2, क्योंकि 2 इंटू 3t माइनस थीटा 2 है। ओके तो यहां से 2 थीटा 2 इधर आएगा तो 3 थीटा 2 इज इक्वल टू 6t प्लस 3t बाई 2। तो यहां पर यहां से ऐसे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था 3 थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 3t बाई 2, 60 प्लस 3t बाई 2। सो 3 थीटा 2 इज इक्वल टू 15t बाई 2, तो 3 × 5 = 15, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 5t बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो जो स्फेयर ए था, याद है ना स्फेयर ए, स्फेयर ए 3t बाई 2 पे होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया था, और जो बी होगा, बी जो होगा बी स्फेयर था, ये 5t बाई 2 पे होगा ना फाइनल टेम्परेचर, इसका 3t बाई 2 नहीं होगा क्योंकि बी के पास जब 3t बाई 2 टेम्परेचर आया तो उसको फिर सी से हमने जोड़ दिया और उसका इक्विलिब्रियम 5t बाई 2 है। और तीसरा स्फेयर याद है, दोनों ये याद है, तीसरा स्फेयर सी था, इसका भी टेम्परेचर 5t बाई 2 क्योंकि दोनों को जोड़ा। तो रेशियो ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा गाइस, रेशियो TA रेशियो TB रेशियो TC, यही ना होगा फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 3T बाई 2 रेशियो 5T बाई 2 रेशियो 5T बाई 2। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 बाई T से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई T से सबको आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता है। तो 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, सबको कर दिया ना, एक को मत करना, सबको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं ना। तो ये 2 से 2 ऐसे भी दिख रहा है, ये t by 2 कैंसिल हो जाता ना, वो तो दिखाने के लिए मैंने किया। सो 3:5:5, सो फाइनल टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा स्फीयर ए बी और सी का, 3:5:5, ये अपन लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझना, सबसे पहले ए और बी को जोड़े, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद बी को किसे जोड़ दिया, सी से जोड़ दिया, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम आया, तो अब फाइनल जो जो टेम्परेचर है ए बी सी का उसका रेशियो पूछ रहा था। सो ये रहा आंसर, अगर आपका आंसर सही आया तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो फिर से इसको जरूर बनाना। सो ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन कौन है 62 नंबर। इफ 3,360 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस, हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू मेल्ट 1 kg आइस। ओके सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, को सिंस आंसर किस में पूछ रहा है, कैलोरी में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जूल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस जूल को किसी में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 3,360 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके 4.2 से इसको डिवाइड करेंगे गाइस, तो कितना आ जाएगा 800 यही आएगा ना, 800 कैलोरी आएगा, ये 800 आ रहा है 360 जूल को, 800 कैलोरी, यानी कि 800 कैलोरी की जरूरत पड़ रही है कितने ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, 10 ग्राम आइस को। तो एक मिनट, तो इसको ऐसे लिखो, पलट के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितने कैलोरी की जरूरत पड़ रही है, 800 कैलोरी की। तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितने कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, 800/10 हो जाएगा, यानी 80 कैलोरी की। अब पूछ कितने रह का है, हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाई टू मेल्ट 1 kg आइस, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम आइस को मेल्ट करने कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 80 × 1000 कैलोरी, ये दिख रहे हो, एक एक नियम यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना। सो तो कितना आ जाएगा, 80
80 इंटू 10^3 कैलोरी है ये, और यानी कि 80 किलो कैलोरी, क्योंकि 10^3 को ही तो किलो किलो लिखते हैं, किलो आप देखे ना, किलो 10^3 को ही किलो लिखते हैं, तो किलो कैलोरी यानी कि 80 किलो कैलोरी चाहिए कितना के लिए। इफ 3360 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस, हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू मेल्ट 1 kg आइस। तो 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, 80 किलो कैलोरी। सो ये रहा हमारा आंसर, 80 किलो कैलोरी। वैसे भी सबको याद है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो उससे भी बन जाता, सो 80 किलो कैलोरी। सो आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, बहुत आसान, थोड़ा सा आसान था हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज खुद से ट्राई करना। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 degree centigrade इनटू स्टीम यानी वाटर वेपर एट 120 degree centigrade। ओके, सो क्या कर रहा है कि आइस है 100 ग्राम, ये क्या है -10 degree centigrade पे है, तो सर इस आइस को हीट करके किस पर लाना होगा, ये पहले किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट करके किस पर लाना होगा, इस आइस को इसी 100 ग्राम मास तो वही रहेगा, इसको हीट करके किस पर लाना होगा, 0 degree centigrade पर हीट करके इसको हीट करना होगा, और अभी भी ये सॉलिड होगा। अब इसको फिर से हीट कर देंगे, इसको फिर से हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अभी भी 0 degree centigrade है, क्योंकि पता है ना कि फेज चेंज के समय स्टेट ऑफ मैटर का जब फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो हीट करेंगे तो अब ये लिक्विड फॉर्म में तो आ जाएगा लेकिन टेम्परेचर 0 degree centigrade ही रहेगा। अब फिर से इसको हीट दोगे तो ये 100 ग्राम किस पे आ जाएगा, अभी भी लिक्विड में ही रहेगा, और ये किस में आ जाएगा, 100 degree centigrade पे, हीट करते जाओगे तो 0 से 100। अब क्या करोगे, इसको फिर से आप हीट दोगे हीट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 100 ग्राम ही रहेगा लेकिन ये वेपर के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये वाटर वेपर इसको लिख देते हैं, वाटर वेपर किस में रहेगा, लेकिन टेम्परेचर तो 100 degree centigrade ही रहेगा ना, क्योंकि लिक्विड ही है, 100 degree centigrade पर 100 ग्राम लिक्विड है, इसको और हीट किए तो 100 degree centigrade पर ही रहेगा लेकिन वाटर वेपर में चेंज करेगा, यहाँ भी स्टेट ऑफ मैटर फेज चेंज करा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, और फिर से इसको हीट किए, इस वेपर को भी हीट किए तो अभी भी 100 ग्राम वेपर रहेगा, अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 120 degree centigrade, अभी भी ये वेपर फॉर्म में रहेगा, वाटर वेपर, तो देख रहे हो वाटर वेपर, तो देख रहे हो कितना हीट देना पड़ेगा। पहले तो तुमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस लगाना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अति करना होगा, ये 100 ग्राम है तो हर एक ग्राम को तो आइस का जो ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 0.5 calorie per gram per degree centigrade, तो 100 ग्राम को आप हीट करोगे तो 0.5 calorie per gram per degree centigrade से आपको टेम्परेचर चेंज कितना करेगा, यहाँ डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर डेल्टा टी यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, उसके बाद यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, 100 है, यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, 100, उसके बाद यहाँ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यही हो रहा है ना, वेपराइजेशन, उसके बाद फिर यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, 20 है। तो चलो शुरू से हम लोग इसको देख लेते हैं, कितना टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड है। ओके, इसका आंसर कितना है, आंसर है, आप लोग खुद से बनाओ, इसको ट्राई करो, इतना हिंट दे दिया मैंने, 73,500 कैलोरी। सो इसको टोटल हीट रिक्वायर्ड हम लोग इसको बनाते हैं, सो टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले -10 से उसको 0 degree centigrade पे लाना होगा, तो ms डेल्टा टी होता है, q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, सो मास है 100
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू एम एच डेल्टा टी कितना है 10, माइनस 10 पे था 0 गया तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 10 है। ओके डेल्टा टी यहाँ पर 10 है, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस और ये हो गया मास, तो क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी होता है। अब प्लस है, अब ये जीरो पर आ गया, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी भी आइस है तो अब हर कन्वर्ट करना होगा वाटर में, तो कितना होता है आपको मास कितना है 100 इंटू 80 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्राम आइस को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए वाटर में 80 कैलोरी लगता है, तो 100 ग्राम को 100 गुने 80 लगेगा। ये पढ़ा था ना लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। अब ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, वाटर बन गया, और हीट देंगे कितना एम एस डेल्टा टी, तो मास तो 100 है और अब वाटर बन गया तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो एम एस और डेल्टा टी कितना है 0 से लेकर 100 तक गए तो 100 हो जाएगा। और प्लस अब वाटर हो गया, वाटर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, लेकिन वाटर नहीं चाहिए, हमें वेपर चाहिए। सो अब आपको पता है ना, एक ग्राम वाटर को लिक्विड स्टेट में अगर कोई वाटर है तो उस एक ग्राम वाटर को वेपर में बदलने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। ये था ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये चीज। तो अब सिंस एक ग्राम यहाँ 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम को अगर वाटर में वेपर में चेंज करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 × 540 कैलोरी चाहिए। और प्लस अब वेपर में भी बदल के नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो वेपर आया वाटर वेपर, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हमें क्या चाहिए स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एम एस डेल्टा टी कर दे एम इंटू एस। अब स्टीम का क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 एम एस डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है 100 से 120 गए तो डेल्टा टी कितना है 20। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 120 में से 100 गया तो 20 आ जाएगा। तो यही हमारा टोटल क्या में हो गया, ये कैलोरी में हो गया। ओके और कैलोरी में पूछ ही रहा है। सो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 8000 प्लस ये हो जाएगा 10000 प्लस 54000 प्लस 20-25 100 ये हो जाएगा 10 और ये 1000। ओके ये टोटल क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। लिखते जाना, जूल वगैरह मत लिख देना, क्योंकि यहाँ जो मैंने 540 लिखा है 80 ये सब कैलोरी पर है। सो कितना हो जाएगा 0000 और उसके बाद क्या होगा 5 5 और फिर 1 4 1 5 4 1 5 5 8 5 13 ये होगा ना 4 1 5 5 8 5 13 और 5 18 की 8 18 की 8 18 की 8 हाथ में रहल 1 है। ओके और 5 6 1 7 ऐसा है क्या 78500 कैलोरी आ रहा है, लेकिन आंसर में कितना दिया 73500 कैलोरी, कहीं गलत हो रहा है क्या? ये 800 और डेल्टा टी 100 और प्लस 100 × 540 प्लस 0.5 तो ये कितना हो गया 5 तो 500 प्लस 8000 प्लस 20 ठीक है 40 यहाँ हो गया और 500 30 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा अगर इसको 10 10 2 5 10 ये 1000 बिल्कुल सही है। तो कितना हो जाएगा इसको थोड़ा कैलकुलेट करना, तो कितना हो जाएगा ये 54000 प्लस 10000 कितना हो जाएगा 64000 64 और एक 65000 65000 और 73000 तो ये 73 होगा ना सॉरी ये 8 और 5 13 हुआ ना 8 8 और 8 एक 9 9 4 13 तो ये कितना हो जाएगा 73500 कैलोरी। तो इतना हीट देना पड़ेगा किसको 100 ग्राम आइस को जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको अगर तुम कितना हीट दोगे 73500 कैलोरी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 100 ग्राम स्टीम में, स्टीम यानी वाटर वेपर में, जिसका टेम्परेचर कितना होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके
सो कुछ नहीं करना था, ये देखना ये क्या है, यहाँ फेज चेंज हो रहा है, फिर यहाँ फेज चेंज हो रहा है, बाकी यहाँ क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल लिखेंगे, ओके फेज चेंज के समय एम इन टू एल लिखते हैं, बाकी हमेशा एम एच डेल्टा टी। सर अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसको बार बार समझना, सो लगता है वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, सो और भी कई सारे चैप्टर्स बना दिए गए हैं, आप हीट में हाइड्रो स्टैटिक क्या नाम है टैक्स ये सब सारी चीजें, डायनामिक्स हो गई, वेव मोशन हो गया, वेव मोशन एंड साउंड, रियल नंबर एलसीएम एचसीएफ एक्सपोनेंट्स स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उनको जाके चेकआउट करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आगे बनाना है बहुत सारे क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस ढेर सारे बनाएंगे, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।